हेलो एवरीवन, क्लास 10th के मैथमेटिक्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 और एक्सरसाइज 2.2 बेस है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के कॉन्सेप्ट पर। और अगर आपने इन कॉन्सेप्ट्स के इंट्रोडक्शन की क्लास नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। अब और टाइम वेस्ट किए बिना अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। वैसे हमें फर्स्ट क्वेश्चन में करना क्या है, फाइंड द सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें करना क्या है, फाइंड द सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं कि जो उसके सॉल्यूशन है, और कोफिशिएंट यानी एक्स वाई यानी जिसमें भी वेरिएबल गिवन है वो होता है कोफिशिएंट। जैसे एक्स का वेरिएबल एक्स स्क्वायर में ये, और जैसे एक्स स्क्वायर का वेरिएबल गिवन है एक्स फॉर्म में, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 और एक्स का -2। तो हमें क्या है, पहले सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने हैं और फिर रिलेशनशिप वेरीफाई करना। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में, इसमें क्या है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर -2x -8। तो सबसे पहले देखिए इसमें a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -2 और c की वैल्यू है -8। अच्छा, एक सबसे ध्यान रखने वाली बात है कि अगर मान लीजिए यहाँ तो अवम फैक्टर बनाकर यानी फैक्टराइजेशन से इसके हम जीरो निकाल सकते हैं। यानी अगर मान लो क्वेश्चन में ये हो कि आपसे ये नहीं है कि आप पहले जीरोस भी फाइंड करो, आपको डायरेक्ट ये है कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करना है, लेकिन उसके फैक्टर नहीं बनते, तो आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट करोगे फॉर्मूला। वो क्या है, सम ऑफ जीरोस का -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का है c/a। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 1, b की है -2 और c की है -8। सबसे पहले हमें फाइंड करने हैं इसके जीरोस, तो जीरोस कैसे फाइंड करेंगे, एक्स स्क्वायर -2x -8 मतलब मल्टीप्लाई करके ऐसा नंबर चाहिए, यानी a इंटू सी करते हैं ना, तो मल्टीप्लाई करके तो आए -8 और प्लस माइनस करके आए -2। माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करोगे तो प्लस आएगा, मतलब जब साइन सेम है तो आंसर प्लस में आएगा, और साइन सेम नहीं है तो आंसर माइनस में आएगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो यहाँ पर देखिए ऐसे दो नंबर हैं, और वो कौन से हैं, दो नंबर हैं 4 और 2, एक्स स्क्वायर -4x + 2x -8 यानी -4 + 2। तो इसमें क्या कॉमन आया, पहले दो में x -4, इसमें कॉमन आया 2x -4। तो जीरोस क्या है, x -4 और x + 2। तो एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो, यानी एक जीरो आया 4 और दूसरा आया -2, यानी अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू -2। अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का फार्मूला इक्वल टू होगा -b/a। सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -b/a, -b यानी b की वैल्यू -2/a यानी 1, यानी 2/1, -2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू c/a। अब c/a क्या आएगा, c की वैल्यू कितनी है -8 और a की वैल्यू है 1, तो -8। ये क्या है, सम ऑफ जीरोस आया 2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आया, सम ऑफ जीरोस आया 2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आया -8। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा रिलेशनशिप वेरीफाई करना है ना, अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू -2, तो 4 - 2 2, तो ये कितना है, सम ऑफ जीरोस 2, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा डॉट बीटा यानी 4 - -2 कितना है -8, ये कितना है -8। तो क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल इज वेरीफाई।
अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में भी क्या है कि ए की वैल्यू कितनी आई 4, बी की -4 और सी की 1। सबसे पहले फैक्टराइजेशन से इसके जीरो निकालेंगे तो वो क्या आएंगे कि 4x² माइनस टू एक्स प्लस 1। इन दोनों में क्या कॉमन आया 2s, तो अंदर क्या बचा 2s माइनस 1, यहाँ माइनस 1 तो अंदर क्या बचा 2s माइनस 1। तो दोनों फैक्टर कौन से आए 2x माइनस 1, 2x माइनस 1। तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 यानी 2s इक्वल टू 1, s की वैल्यू 1/2 और यहां से भी s की दूसरी वैल्यू भी आई 1/2 यानी अल्फा की वैल्यू 1/2 और बीटा की वैल्यू भी 1/2। अब क्या करना है हमें, अब हमें निकालना है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस यानी -b/a, -b यानी -4/a यानी 4। तो 4/4 कितना हुआ 1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी c/a, c की वैल्यू क्या है 1 और a की 4, तो 1/4 करेंगे वेरीफाई। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस 1/2 कितना हुआ 1। सम ऑफ जीरोज के इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा डॉट बीटा यानी 1/2 × 1/2 कितना होगा 1/4। तो ये भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के इक्वल है। तो क्या है रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलीनोमियल्स इज वेरीफाई। इसका थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में क्या है कि हमें ऐसा नंबर चाहिए कि जिसको मल्टीप्लाई करके तो आए -18 और प्लस माइनस करने पर आए 7। तो वो नंबर है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, तो नंबर है 6x² = -9x + 2x। आज दो में क्या कॉमन है 3x, तो अंदर क्या बचा 2x - 3, इसमें क्या कॉमन है 1, तो अंदर क्या बचा 2x - 3। तो दो फैक्टर कौन से आए 3x + 1 और 2x - 3। एक्स की एक वैल्यू आई -1/3, दूसरी आई 3/2। जीरो के इक्वल लेंगे दोनों को तो वैल्यू आएगी -1/3 × 3/2 यानी अल्फा की वैल्यू 1/3, बीटा की वैल्यू 3/2 -1/3। सम ऑफ जीरोस यानी -b/a, सम ऑफ जीरोस का फार्मूला क्या है -b/a। तो माइनस ए की क्या वैल्यू है, ए की वैल्यू है 6, बी की है -7, सी की है -3। -b/a यानी -7/6 यानी 7/6। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a यानी -c/a यानी 3/6 यानी 1/2। अब क्या हमें करना है, हमें करना है अल्फा प्लस बीटा रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो अल्फा की वैल्यू है -1/3 और बीटा की 3/2, ऐसे -6 को 3 से करेंगे डिवाइड तो आएगा 2 यानी -2 क्योंकि 2 × -1 - 2, 2 × 3 = 6 9। तो ये क्या है 7/6 किसके इक्वल है सम ऑफ जीरोस के। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, नेक्स्ट है अल्फा डॉट बीटा। तो -1/3 × 3/2, 3 की वैल्यू क्या आएगी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आएगा -1/2 क्योंकि सी की वैल्यू क्या है -3, तो -3/6 - 1/2। तो ये क्या है अल्फा डॉट बीटा भी -1/2 किसके इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के। तो क्या है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलीनोमियल इज वेरी। अब करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट क्या है 4u² + 8u, मतलब a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 8 और c की वैल्यू है 0। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इसके
जीरो निकालने हैं, तो 4a u² + a2 = 0, तो यहां से आएगा 4u². देखो इसमें क्या कॉमन है, 4u कॉमन है ना, तो अंदर क्या बचा, u+2 = 0, 4u = 0, और ये आएगा u+2 = 0, तो u की एक वैल्यू आई 0 और एक आई u की वैल्यू -2, अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की -2, ठीक है। अब क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोस क्या है, -b/a यानी -8/4, तो ये कितना हुआ -1/2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या है, c/a, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब है c/a यानी 0 0/4 0 0/4 क्या है, 0 0, c की वैल्यू 0, a की वैल्यू 4। अब देखो, अब हमें करना है नेक्स्ट अल्फा प्लस बीटा क्या है, यानी ये दोनों वैल्यू ऐड करनी है, ये क्या आएगी, सम ऑफ जीरो जाएगा -2, क्योंकि -8/4, तो अल्फा प्लस बीटा करो 0 और -2 कितना होगा -2। अल्फा डॉट बीटा यानी 0 × -2 तो क्या होगा 0, तो -2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल है सम ऑफ जीरो के -2, और ये 0 यानी अल्फा डॉट बीटा इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ जीरो से, तो क्या होगा, रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलीनोमियल इज वेरीफाइड। लास्ट पार्ट है इसका t²-15, तो t²-15 = 0 यानी t²=15, तो t की वैल्यू क्या है, √15, तो अल्फा की वैल्यू आई 1 + √15, एक वैल्यू आई बीटा की −√15, ये वैल्यू t की आएंगी और ये क्या है, 0 तो पॉलीनोमियल। अब हमें निकालना है सम ऑफ जीरोस। अब देखिए a की वैल्यू क्या है इसमें 1, b की क्या है 0 और c के −15, ये वैल्यू आपको याद रखिए। सम ऑफ जीरोस क्या है, −b/a यानी 0/a 0। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, 0/1 कितना होगा 0, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है c/a यानी −15/1 यानी −15। अब निकालना है रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए हमें अल्फा डॉट बीटा क्या है, यानी √15 × −k√15, तो ये कितना होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल देता है। अब हमें क्या निकालना, पहले अल्फा प्लस बीटा यानी √15 और −k√15, तो कितना होगा 0, दोनों कट हो जाएंगे, वैल्यू तो आएगा 0। अल्फा डॉट बीटा यानी √15 × −√15, तो कितना होगा −15। अब देखो सम ऑफ जीरो इक्वल टू आया अल्फा प्लस बीटा के, और अल्फा डॉट बीटा किसके इक्वल आया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो के, यही हमें वेरीफाई करना था। तो क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलीनोमियल इज वेरीफाइड। सेकंड क्वेश्चन में क्या है हमें, कि हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू गिवन है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फॉर्म करना, तो इसके दो तरीके हैं जो एग्जांपल वाली क्लास में हमने करे हैं। कि पहला क्या है कि ये क्या सम ऑफ जीरोस इन −b/a और यहां c/a प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, लेकिन उसमें क्या है कि एक दो क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी, कि जैसे इसी में थोड़ा लॉजिक नहीं बनेगा। तो क्या है, आपको मैं डायरेक्ट फार्मूला बताता हूं कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फॉर्म करने का क्या होगा। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल भी क्वाड्रेटिक लिखो या क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल भी या सीधा पॉलीनोमियल लिखो, क्या होगा, x²-α+β(x+α·β) अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा डॉट बीटा। अब देखो x²-σ(0) कितना है, अल्फा प्लस बीटा यानी 1/4x + α·β कितना है −1, तो ये क्या होगा x²-1/4x − 1
एलसीएम आएगा इसका फोर, तो फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर, और ये चला जाएगा इधर जीरो से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर, यही है पॉलिनोमियल। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इसमें क्या है कि रूट टू है सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से वन बाय थ्री, तो सम ऑफ डायरेक्ट आपको क्या करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या है रूट टू, तो एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस वन बाय थ्री, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इसका एलसीएम आएगा थ्री एक्स स्क्वायर थ्री, तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री रूट टू एक्स प्लस वन है पॉलिनोमियल। वेरीफाई करने के लिए आप इसका सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालोगे तो यही दोनों आएंगे रूट टू और वन बाय थ्री। थर्ड पार्ट इसका सम ऑफ जीरो है, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है जीरो, और अल्फा डॉट बीटा की यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू गिवन है रूट फाइव, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है जीरो, तो एक्स स्क्वायर माइनस जीरो एक्स प्लस रूट फाइव, तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस रूट फाइव, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट पार्ट इसमें क्या है वन और वन, यानी सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू वन अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू वन, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फार्मूला क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स यानी सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है वन, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा डॉट बीटा कितनी है वन, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, यही है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का भी एनसीईआरटी के का सेकंड चैप्टर का, माइनस वन बाय फोर और प्लस वन बाय फोर, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस वन बाय फोर और प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू है वन बाय फोर, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा एक्स स्क्वायर प्लस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा, क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है यानी सम ऑफ जीरोस की माइनस वन बाय फोर एक्स प्लस वन बाय फोर, माइनस माइनस प्लस तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय फोर एक्स प्लस वन बाय फोर। अब इसका लेंगे हम एलसीएम, तो एलसीएम कितना आएगा फोर, तो फोर से क्या होगा फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो क्या आएगा आंसर फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये फोर इधर जीरो से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इक्वल टू जीरो होता है ना जीरो तो पॉलिनोमियल, तो ये जीरो हो जाएगा पॉलिनोमियल, क्या आएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो यहाँ पर ये आपकी एक्सरसाइज 2.2 और साथ ही चैप्टर फिनिश हो जाता है। इस चैप्टर में सिंपल क्या है कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, कि जैसे डिग्री के बेस पर पॉलिनोमियल के टाइप क्या क्या होते हैं वो हमने स्टडी करे हैं, और सम ऑफ जीरोस क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं, और उनके बेस पर हमने क्वेश्चन करे हैं, और उन दोनों के बीच का जो रिलेशन है यानी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के और कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के। तो उम्मीद है कि ये क्लास आपके समझ में आई होगी और साथ ही साथ ये चैप्टर भी आपके समझ में आया। अगर ये क्लास और चैप्टर आपके समझ में आया है तो आप इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को स्टार्ट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।